मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि कानून को लेकर कहा कि यह किसानों के हित का कानून है। कांग्रेस भ्रम फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है, जिसको मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बार प्रयास किए हैं। भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग के आयोजन में सीहोर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों में कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का कार्य किया है। कृषि कानून किसानों के हित में है। इस कानून के बदलाव से किसानों की आय दोगुनी होगी। अब किसान अपने उपज को मन चाहे मूल्य पर बेच सकता है। कृषि कानून में समर्थन मूल्य और जमीन को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी मंदसौर की तरह फिर माहौल खराब करने का कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने सभी से केंद्र सरकार के कृषि कानून का समर्थन करने की भी अपील की। मैं मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने शानदार कानून बनाया और इसे ताली बजाकर आपने स्वागत करें तो कोई नहीं। यह कोई कांग्रेस है जितने एक बार मंदसौर में किसानों को निकाल के गोली चलवाने का पाप किया था। कैसे भी हिंसा भड़क जाए, आग लग जाए, यह षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश में षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और आज सब किसान आज खड़े होके दोनों हाथों पर उठा के हम भारत माता की जय बोल के किसान कानूनों का समर्थन करेंगे। हम मोदी जी के साथ करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसले के साथ करें। फसल को जहां चाहे बेचे, मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे। मंडी बंद नहीं होगी, मंडी में भी खरीदी चलेगी। लेकिन अगर कोई हमारे अच्छा दाम देके घर से खरीद ले जाए तो वहां भी बेच सकते हैं। ये पहला किसानों का कानून, इसमें कोई बुराई है क्या? अब बोले इसमें कोई बुराई है क्या? कोई नुकसान है क्या? कोई बुराई नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब कांग्रेस हंगामा मचा रही हो रही, गड़बड़ हो गई, हराना कर रहे, ढिमका कर रहे, कोई गड़बड़ नहीं। नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं। नंबर एक ये किसान कानून बनाया, कहीं मैं तो ध्यान अगर कोई सागर में अच्छी दाम दे रहा है काहे को मंडी वाले दादागिरी करें कि मंडी में बैठो, नहीं तो पकड़ लो मंडी के बाहर, मंडी टैक्स की चोरी। अब कुछ नहीं है, सब खत्म, जिसको जहां बेच रहा है वहां बेचो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा आसमान छूटे बताए। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए आए मैं coronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।